बचाव दल किशोरों को 12 घंटे खोजते हैं जब वे ड्रेनेज पाइप्स की एक भूलभुलैया में दूर धोया गया था। 13 साल के बच्चों को खोजने के लिए 100 सेकंड अधिक बचाव कार्यकर्ता रात के माध्यम से काम करते थे। एक कार्य अधिक मुश्किल हो गया क्योंकि वे कहते हैं शहर के नीचे पाइप्स के मॉड्यूलर नेटवर्क में खोजकर्ता को भेजना बहुत खतरनाक था। रविवार दोपहर फुटबॉल और वॉलीबॉल और भोजन से भर गया था, लेकिन ईस्टर अंडे का शिकार होने से ठीक पहले जेसी हर्नांडेज और उसके चचेरे भाई अपने परिवार की वार्षिक सभा से कुछ फिसल कर अपने आप को तलाश कर रहे थे। जेसी ने एक फुट चौड़ा जल निकासी पाइप में 25 फीट गिरा दिया बह गया था। लड़के को ढूंढने के लिए 100 सेकंड अधिक बचावकर्ता रात के माध्यम से काम करते थे। पाया और अस्पताल ले जाया गया, यह स्पष्ट नहीं था कि क्या जेसी घायल हो गया था। लॉस एंजेल्स के ग्रिफिथ पार्क के उत्तरी किनारे पर जो कुछ वे मिलते हैं, वे एक श्रृंखला लिंक बार पर चढ़ने के बाद एक परित्यक्त रख रखाव शेड था जिसमें लकड़ी के सड़कों से भरा छत था। एक पर कूदते समय अधिकारियों का कहना है जेसी के माध्यम से गिर गया। उन्होंने 25 फीट को 4 फुट चौड़ा ड्रेनेज पाइप में डाल दिया, फिर उसे बह गया। लॉस एंजल्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनके चचेरे भाई ने उन्हें बुलाया, लेकिन उन्होंने जो कुछ सुना वह उनकी खुद की आवाजों की गूंज थी। 100 सेकंड अधिक रिस्कवर ने रात के माध्यम से 13 साल की उम्र की तलाश करने की कोशिश की एक काम अधिक कठिन बना दिया क्योंकि वे कहते हैं शहर के नीचे पाइपों के मॉड्यूलर नेटवर्क में एक खोजकर्ता को भेजने के लिए यह बहुत खतरनाक था। 12 घंटे के लिए उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर एक स्वच्छता दल ने एक कैमरे को पार्क से 1 मील रख रखा है। लॉस एंजेल्स CW से संबंधित KTLA के मुताबिक कैमरे ने जेसी के 1 फीट को जीवित और बात कर बताया। बचाव दल उसे बाहर खींचने में कामयाब रहे और उनमें से एक ने उन्हें अपने परिवार को फोन करने के लिए एक सेल फोन दिया। उन्होंने शहर के अधिकारियों को थोड़ी देर बाद अधिसूचित किया। लॉस एंजेल्स फायर डिपार्टमेंट कैप्टन एरिक स्कॉट ने सोमवार को एक सुबह के समाचार सम्मेलन में कहा, यह खुश हृदय के साथ है कि सभी लॉस एंजेल्स सिटी एजेंसियां यह बता सकते हैं कि हमने जेसी हर्नांडेज पाया है। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, हमें खुशी से अभिभूत हैं। जेसी को एक अस्पताल ले जाया गया था, हालांकि यह स्पष्ट था कि क्या वह घायल हो गया था। घंटों के लिए अधिकारियों ने यह बात की थी कि पाइपों के नेटवर्क को नेविगेट करना कितना मुश्किल था। कुछ बिंदुओं पर पानी 2 फीट गहरा है और 15 मील प्रति घंटे की क्लिप पर चलता है। यह जगह है एक भूलभुलैया है। लॉस एंजेल्स पुलिस सर्जेंट ब्रूनो लाहोज ने LA टाइम्स को रविवार को बताया, हम नहीं जानते कि नाली पाइप कहाँ जाता है। विषय को ढूंढने के लिए बचाव दल प्रौद्योगिकी के मुताबिक शहर के जल निकासी व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए इस्तेमाल किए गए परिष्कृत जल प्रवाह कैमरों से उम्मीद कर रहे थे कि लापता लड़के की एक झलक दिखाई देगी। एक कैमरा पाइप के नीचे क्रॉल करता है और पास के कैमरों को कैमरे को प्रेषित करता है। एक अन्य बोगी बोर्ड जैसी प्लेवनशीलता डिवाइस से जुड़ा था। LA टाइम्स ने रिपोर्ट की यह एक पाइप से 300 फीट नीचे चला गया, लेकिन न तो लड़के को देखा। बचाव दल उन साइटों तक फैले हुए हैं जहां सीवेज सिस्टम नालियों की खोज करती है और उन कक्षों की खोज की जाती है जहां ये शय फंसे हुए हैं। अग्निशमन विभाग ने एक बयान में कहा, सभी संभावित शहर संसाधनों का उपयोग जेसी की तलाश में किया जा रहा है। टेलीविजन न्यूज फ्यूटेज में मैदान में छेद पर गिया और हेलमेट चढ़ने में दर्जनों अग्निशामकों को दिखाया गया। पूरे क्षेत्र में फ्लड लाइट्स ने चमकता, दूसरों को पास लॉस एंजेल्स नदी में पीरिंग देखा जा सकता है।
इस बीच जेसी के परिवार के सदस्य और दोस्त पार्क में चौकस नजर रख रहे थे। 20 सेकंड ज्यादा रविवार देर रात रह गए और शहर के अधिकारियों ने उन्हें आराम दिलाया। एक परिवार मित्र डोमिनिक बार राजा 16 रविवार को कहा, वह बहुत छोटा है, यह सिर्फ पागल है, मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता। हमने फोन किया, पाठ संदेश भेजा, यह बजता है लेकिन यह मेल को चलाता है। फिर सोमवार सुबह जेसी ने उन्हें बुलाया।